इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। ओमिक्रॉन को लेकर हर रोज नई खबर देखने सुनने को मिल रही है। पूरे भारत में ओमिक्रॉन के मरीज भी इत्तेफाक से कर्नाटक में ही पाए जाने की इत्तला हासिल हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस तफसीलात इसके बारे में हासिल नहीं, क्योंकि जब तक WHO कुछ नहीं कहता, किसी को कुछ कहने की ना तो इजाज़त है और ना किसी में हिम्मत है। कई सारे मामले आलमी सेहत तंजीम से जुड़े हुए हैं और जाहिर है इसी वजह से कुछ कहने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है किसी भी मुल्क को, लेकिन जितना चाहे डरा सकते हो, इसकी इजाज़त है आपको। लिहाजा ओमिक्रॉन के बारे में मुकम्मल तफसीलात हासिल न भी हुई है तो अब भारत में अफवाहों का बाजार गर्म है। कुछ ने तो इसे अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट कहा, किसी ने डेल्टा से खतरनाक है कहा। इसका नाम भी WHO ने ही रखा है, अभी अभी उसका नाम रखने की रस्म पूरी हुई है, ओमिक्रॉन उसका नाम रखा है। खैर, वैसे भी भारत में सबसे खतरनाक वायरस पहले से फैला हुआ है और वो है जातिवाद फिरका परस्ती का वायरस। यह वेरियंट कभी भी मंदिर मस्जिद की शक्ल में, तो कभी इबादत गाहों को लेकर, तो कभी हिंदू मुस्लिम के तौर पर माशरे में फैलता ही रहता है और इसे सरकारी तौर पर फैलाने की इजाजत भी है। अब UP चुनाव के मद्देनजर मजहबी तशद्दुद का वायरस फैलाने की जिम्मेदारी योगी शाह और मौर्य ने ली है, क्योंकि यही वो वायरस है जिसके जरिए से आसानी से इख्तदार हासिल कर सकते हैं। कर्नाटक में बेलूर में चर्च में प्रेयर के वक्त भजन दल के कारकुनों ने किस कदर हंगामा बर्पा किया था, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। जाहिर है कर्नाटक में अब मुसलमानों के साथ ईसाइयों पर भी जानबूझकर हमले तेज किए जा रहे। वाजह रहे कि इससे पहले ही वजीर आला बसवराज बोम्मई ने बेलगाम में होने वाले अधिवेशन यानी कि सेशन के दौरान मजहब तब्दीली कानून को मंजूर करने की बात को साफ किया है और इसी के मद्देनजर ईसाइयों पर बजरंग दल, रामसेना और RSS के जानिब से तशद्दुद का माहौल बनाने की कोशिश बारह की जा रही है। लिहाजा कर्नाटक में कानून साज असेंबली बेलगाम में भी होने वाले हैं, तो चुनाव के बाद तालुका पंचायत नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं और महज 1 साल के बाद ही असेंबली चुनाव होने वाले हैं। तो इसके पस मंजर में मजहबी तशद्दुद को बढ़ावा देना तो भाजपाई संघियों का फर्ज बनता है, और खासकर मुसलमानों की बात कही जाए तो इस कौम के पास न तो कोई मंसूबाबंदी है और ना ही कोई दूरअंदेशी और ना ही कोई नज्म जब्त। वैसे भी पिछली मरतबा कोरोना के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराकर मुसलमानों को ही अछूता बनाने की साजिश रची गई थी, जिसमें गोदी मीडिया से लेकर IT सेल पूरी तरह से सरगर्म और सफे अव्वल में प्रोपोगंडा करते देखा गया। अब रमजान महीना भी 4 महीने की दूरी पर है, तो इसके बाद ईद उल अजहा भी है। कैसे किसी तरह कभी ईसाइयों को तो कभी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, इसे महसूस कर सकते हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक आने वाले फरवरी में, ये बात इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि मुसलमानों में गोश्त खाए बगैर वो जिंदा नहीं रहे, एक तो मोबाइल और दूसरा गोश्त की बहुत सख्त जरूरत मुसलमानों में पाई जाती है, तो फरवरी में गो हत्या कानून पर सख्ती से अमल करते हुए गो रक्षकों को छूट दी जा सकती है और इसी के आड़ में मुसलमानों की लिंचिंग भी ना सिर्फ बेलगाम बल्कि रियासत में की जा सकती है। वैसे भी इनकी चित भी मेरी पट भी मेरी वाला मामला पहले से ही रहा है। बीफ को बेलगाम, हुबली और कर्नाटक के दीगर शहरों से गोवा भेजा जाता है ताकि किसी तरह गोवा में बीफ की कमी ना रहे, और भाजपा गोवा ने भी इसे बारहा इस बात को कहा है कि जरूरत पड़ने पर हम कर्नाटक से बीफ लाएंगे लेकिन गोवा को किसी तरह की कमी नहीं पड़ने देंगे, और इसी के मद्देनजर बेलगाम से गोवा कानूनी तौर पर भी बीफ को भेजा जाता है। तो इन्हें दरमियान में ही गोवा के रास्ते पर रोक कर, क्योंकि खानापुर, कनकुंबी वगैरह तमाम शहर उसी गांव से होकर गोवा जाती है गाड़ियां, तो इन्हें गाड़ियों को रोक कर गाड़ियां जला दी भी जाती है, इन्हें मारा पीटा जाता है। ताज्जुब तो इस बात पर भी है कि इन्हें खुली आज़ादी दी जाती है, इन पर कोई मुकदमे भी दायर नहीं किए जाते। खैर, यह एक मामला है। गुरुग्राम का मामला भी सभी जानते हैं कि नमाज के वक्त किस तरह जानबूझकर कभी पूजा पाठ तो कभी जय श्री राम के नारे लगाकर नमाज में खलल डालने की कोशिश की जा रही है। जाहिर इसी तरह का मामला तकरीबन मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में देखा जा रहा है। अगर खास तौर से बेलगाम की बात कही जाए तो यहाँ किसी तरह की मुसलमानों में इज्तमायत नजर नहीं आती। कुछ लोग कांग्रेस लीडरों के पिट्ठू बने हुए हैं, तो खुद कांग्रेसी आपसी इख्तलाफ का शिकार भी देखे जा रहे हैं। इस बात को भी महसूस किया जाता है कि कुछ तो मुसलमान लीडर या मुसलमान जो गली मोहल्ले में होते हैं जाति मुफाद के लिए भाजपा में भी दाखिल होने के लिए तैयार है, और बात है कि भाजपा मुसलमानों को नहीं लेती, और जो है यानी कि जो भाजपा में है वो बेलगाम ही नहीं बल्कि रियासत या फिर मुल्की सतह पर देख सकते हैं कि इनकी क्या हैसियत है। लेकिन दुनिया की मोहब्बत ने मुसलमानों को इतना बेगरत बना दिया है कि इसे कुछ भी नजर नहीं आता सिवाय पैसों के, भले ही फिर हलाल हो या हराम। मसलक के इख्तलाफात का जहर आज भी इस कदर देखा जाता है कि
उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जाता। कई जगहों पर सलाम कलाम भी नहीं किया जाता, भले ही इत्तेहाद की बात एक ही डायस पर बैठकर करते हैं, इत्तेहाद के लिए प्रोग्राम में इसमें ही शरीक होते हैं, लेकिन अंदरूनी जहर एक दूसरे को लेकर इतना है कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। मुसलमानों से नफरत और संगियों का खौफ इनके चेहरों पर साफ तौर से देखा जाता। आखिर इतनी नफरत आखिर इनमें आती कहाँ से है, समझ में नहीं आता। इतनी छोटी समझ इन इल्मी दानिश्वरों के समझ में नहीं आती कि क्या यह वक्त ऐसा है जहां मुसलमानों को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया गया है, जमीन को तंग करने के मंसूबे सुबह शाम रचे जा रहे हैं, लेकिन मसल के इख्तलाफात में किसी तरह की कमी इनमें नहीं देखी जाती है। खैर, आने वाले दिनों में बेलगाम शहर में गोश्त मार्केट पर भी सख्तियाँ होने जा रही हैं और यह फरवरी में किया जा सकता है, ऐसी इतला हासिल है। मकामी तौर पर तो मुसलमानों का कोई पूछने वाला तो है नहीं, कुछ मुसलमान तो भाजपा लीडरों के पास जाकर बड़े ही अदब एहतराम से खड़े होकर अपनी फरियाद दर्ज करते रहते, लेकिन क्या इन्हें इतनी समझ नहीं कि जब तक तुम्हें तकलीफ नहीं दी जाती वो चुनाव जीत नहीं सकते। हाँ, कुछ जरूर ये सलाम और जो हाथ बांध कर आप खड़े रहते हैं इसके बदले में जाती मुपात हो सकता है। अगर मुसलमानों का दूसरा पहलू भी देखेंगे तो यह अजीब है कि कुछ के जमीनों के मामले हैं जो इनके पास जाना पड़ता है, कुछ लोगों के पैसे के मामले हैं, कुछ डर खौफ की वजह से इनसे राबता रखते हुए देखा जाता है, जबकि वो इनसे दामन छुड़ाना चाहते हैं। अब इनकी गैरत का ही कुछ पता नहीं, उन्हें क्या इज्जत और क्या जिल्लत, लिहाजा ऐसे लोग क्या कौम मिल्लत की फला बहबूदी का सोच सकते हैं जिसका इन्हें इल्म ही नहीं। कुछ लोग तो सुबह से शाम तक हमारी कौम ऐसी है और वैसी है कहते हुए गैरों की शान में कसीदे पढ़ते रहते हैं। कुल मिलाकर तस्वीर ऐसी है कि आने वाले दिनों में क्या होगा कह नहीं सकते। हर कोई वक्ती जिंदगी के लिए ईमान का सौदा करते देखा जा रहा है, भले बात कुछ अजीब लगे, कुछ सख्त भी लगे, लेकिन ये सच्चाई है कि आज इस दौर में कईयों को पैसे के लिए, रुपये के लिए, दौलत के लिए अपने ईमान का सौदा करते हुए देखा जाता है। कुछ उपयोग के लिए अल्लाह रसूल का वास्ता देने से भी लोग डरते हुए नहीं देखे जाते। मतलब हमने मुकम्मल फैसला कर ही लिया है कि इसी दुनिया में हमेशा रहना है और फिरका परस्तों के डर से कभी भी किसी भी तरफ पलट सकते हैं, इनकी उस तरफ जा भी सकते, लिहाजा इसकी दलीलें भी दीनी पस मंजर में देते हुए देखा जाता है। अब उनसे क्यों राबता आप कायम करते हो इसकी भी दलील दी जाती है, ये बात अलग है। अब ओमिक्रॉन का भी इत्तेफाक से कर्नाटक में पाया जाना और आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव मरीजों के बढ़ते हुए कोरोना का नया वेरिएंट को फैलाने का जिम्मा किसके सर आता है नहीं मालूम। बेलगाम में हो रहे सेशन को क्या रद्द किया जा सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, लेकिन मजहब तब्दीली कानून को पास करने के लिए शायद इस सेशन को किया जा सकता है, ऐसी भी बात की जा रही है। इंतजामिया को भी तमाम तफसीलात खुफिया तौर पर दी जाती है, तभी तो पुलिस की जानिब से ईसाइयों को बुलाकर धमकाया गया है, ऐसा कुछ ईसाइयों का कहना है। मतलब नफरत की शिद्दत और बढ़ने वाली है। मुसलमानों के लिए बड़ा मसला तो गोश्त ही है, क्योंकि तमाम दुनिया के बहस मुबासे से बिल्कुल ना आशना कौम के तौर पर अगर देखा जाता है तो वो मुस्लिम कौम है। कहीं गोश्त ना मिलने पर तो क्या सड़क पर एहतजाज करती है, ऐसा सवाल भी कुछ लोगों की जानिब से किया जा रहा है, क्योंकि आखरत का सोचने वाले चाहे भी कोई मुसलमान बेलगाम की सरजमीन पर रहता हो, क्योंकि फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। अब इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब नबी की शान में भी गुस्ताखी होती है तो तड़प कर घर से बाहर निकलने वाला कोई फर्द फिलहाल तो हमें नजर नहीं आया। शायद मुझ जैसे गुनहगार को अल्लाह के नेक बंदे नजर ना आ रहे हों, क्योंकि उसके लिए वो नजर भी होनी चाहिए जो हमारे पास नहीं है। निगाह है मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। यही आज का पैगाम। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।